नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पुलिस कप्तान राजनांदगांव मोहित गर्ग द्वारा बैंक मैनेजरों को ली गई मीटिंग। बैंक एवं एटीएम में लगे हुए सुरक्षा गार्ड का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए दिए निर्देश। बैंकों की सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण, सीसीटीवी कैमरे की स्थिति व लॉकर और सुरक्षा अलार्म आदि को चालू हालत में रखने हेतु कहा गया। बैंक के आसपास आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत नजर रखी जाए एवं कहीं पर भी किसी के द्वारा संदिग्ध आचरण परिलक्षित हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। संदिग्ध बैंक अकाउंट की जानकारी देने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी की। ब्रांचेस हैं, एटीएम्स हैं, उनमें जो सीसीटीवीज लगे हैं, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इंस्टॉल्ड हैं, चाहे वो हॉटलाइंस हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे आपके मतलब जो क्लब करके कुछ बैंक्स एक साथ लगाते हैं वैसा हो, उन सबकी चेकिंग करेंगे, उन सबका एक तरह का सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम कुछ कुछ बैंक ब्रांचेस में संबंधित थाना से लोग गए होंगे, गए थे जी। उनको एक रिपोर्ट भी देना था, शायद आप लोगों को एक कॉपी भी मार्क हुई होगी। मीटिंग बुलाने का कारण था सीधा आप लोगों से संवाद करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रोसेस में छूट जाती हैं। देखिए अभी क्या वो बहुत पहले से ही लगातार कुछ ना कुछ, चाहे वो उठाई गिरी हो, चाहे बैंक के अंदर कोई घटना हो, एक सिंपल सा घटना जैसे अभी कुछ समय पहले राजनांदगांव SBI में हुआ था, नोट गिनने के नाम से एक व्यक्ति 50,000 रुपए उठा के ले गया, वो गैंग तरह का काम होता है। एटीएम्स में बहुत सारी तरीके के फ्रॉड्स करके पैसा निकालना, चाहे वो एटीएम मशीन में, बैंक से जो रिलेटेड है वो होते रहते हैं। ये तो एक कैटेगरी ऑफ क्राइम था जिसपे पहले बात करेंगे। तो मुझे आप लोगों से एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप और हम लोग सीधा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों के यहाँ जो भी सीसीटीवीज लगे हैं, मुझे पता है ये वाली बात बहुत बार हो चुकी होगी आप लोगों के यहाँ पे भी, आपका जो टेक्निकल सेल है, एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, एंगल ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं। आपने कैमरा लगाया है लेकिन अगर उसकी विधिवत चेकिंग नहीं हो रही है, उसके अंदर एक्चुअली फीड में क्या आ रहा है, आपके देखिए बैंक का एरिया जो होता है, बैंक में पब्लिक बहुत रहती है, किसी के लिए भी ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों में से आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है कि कौन फ्रॉड है, कौन जेन्युइन कस्टमर है, बड़ा मुश्किल है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकली टूल्स हैं, कम से कम हम उन चीजों को ठीक से कर लें। एक बार जाके आप लोग, नहीं आपके यहाँ थानेदार संबंधित आए हैं या चौकी प्रभारी नहीं आए, आप स्वयं संपर्क कर लें। मेरे ख्याल आप सबके पास कम से कम नंबर होंगे, आप लोगों के नहीं होंगे तो एक नंबर सुनिए, आप सबको उनके पूरे जिले के ही थाना प्रभारी चौकी प्रभारियों के नंबर मिल जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर मिल जाएंगे। कोई और भी समस्या होती है तो आप बता सकते हैं। तो आप लोग खुद एक जॉइंट ऑडिट कर लीजिए, क्योंकि ठीक हम लोगों को ही मिलकर कराना है। एंगल ठीक कराने में तो कुछ नहीं लगता है, मैकेनिकल है, 2 मिनट का काम है, आपको फील्ड देख के समझ आ जाएगा क्या है। दूसरा फील्ड क्वालिटी, अब हो सकता है कुछ जगह कैमरास बहुत पुराने लगे हों, कुछ जगह खासकर जो हमारे छोटे बैंक है, आई डोंट नो, मतलब मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा, लेकिन सबका अपना अपना एक फाइनेंशियल बजटिंग होता है, कुछ जगह पे इग्नोर होता है, कुछ जगह नहीं होता। जैसे AU में हो सकता है कि ना हो, बंदर में हो सकता है वो ना हो। आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरास जो आपके यहाँ लगे हैं उनकी फीड क्वालिटी उतनी अच्छी हो कि अगर कुछ होता है और आप कल को हम लोग उस फीड को देखते हैं तो आप उसमें आइडेंटिफाई करने की स्थिति में रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।